ये वीडियो हाईटेक यूनिवर्सिटी जो कि तक्षशिला कैंट में से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से बैचलर प्रोग्राम्स, मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं और उनके क्या फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा उनमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, एडमिशन टेस्ट किस तरह से होगा और उस एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये सब हम देखेंगे। इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसके बाद अगर हम प्रोग्राम्स और साथ में उनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो सब प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन फ़ीस एक दफ़ा जो आपको देनी होगी वो 30,000 रुपीज़ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो एक दफ़ा देना होगा और रिफंडेबल होगा यानी कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको वापस मिल जाएगा, ये 20,000 है। तो सेमेस्टर फ़ीस बीएस इंजीनियरिंग के लिए 1,33,000 रुपीज़ है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 6 मंथ्स की फ़ीस 98,000 है। देन यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन फ़ीस 30,000 है और कुछ के लिए 25,000 है, ये आप देख सकते हैं। और सिक्योरिटी डिपॉजिट सब के लिए 20,000 ही है। देन बीए साइबर सिक्योरिटी के सेमेस्टर फ़ीस 98,000 है, बीबीए और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए और बीएस एनालिटिकल के लिए 90,000 है, बीएस रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के लिए और बीएस आईओटी के लिए 77,000 है, बीएस मैथ्स के लिए 60,000, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए 36,000 है। देन फिर मास्टर प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो एमएस इंजीनियरिंग के लिए पर क्रेडिट और फीस 7,500 रुपीज़ है। यहाँ पर जो सारे मास्टर्स प्रोग्राम लिखे हुए हैं इनकी एडमिशन फ़ीस 25,000 है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 है। तो बीएस मैथ्स के लिए पर क्रेडिट और फीस 7,500 है और कंप्यूटर साइंस के लिए भी इतनी ही, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए 5,000 है और एमबीए के लिए 90,000 रुपीज़ है, ये सेमेस्टर फ़ीस है। और पीएचडी के लिए 7,500 पर क्रेडिट और है। अब यहाँ पर एमबीए के अलावा तमाम मास्टर प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम की जो फ़ीस है पर क्रेडिट और में लिखी हुई है, यानी कि सेमेस्टर में जितने भी क्रेडिट आवर्स होते हैं यूनिवर्सिटी बता देती है, क्योंकि हम यहाँ पर एक फीस स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बता सकते कि हर सेमेस्टर में क्रेडिट आवर्स चेंज हो रहे होते हैं कोर्सेज यानी कि सब्जेक्ट्स के हिसाब से। तो ये पॉसिबल नहीं कि कोई एक फ़ीस स्ट्रक्चर बताया जा सके क्योंकि आपकी इस सेमेस्टर की फ़ीस हर बार चेंज होगी, तो इस वजह से यहाँ पर क्रेडिट आवर्स की लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम हॉस्टल फ़ीस देखें तो बॉयज़ का हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है जिसका सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 है और पर सेमेस्टर फ़ीस जो आपको देनी होगी वो 45,000 होगी। देन ट्रांसपोर्ट की फ़ीस 35,000 है, मास्टर के थीसिस की फ़ीस 25,000 और पीएचडी के थीसिस की फ़ीस 35,000 रुपीज़ है और ये तीनों भी सेमेस्टर वाइज हैं। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अगर आप बीएस करने वाले हैं तो उसके लिए मिनिमम परसेंटेज आपको इंटरमीडिएट में 60% चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बीबीए में, मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं तो 50% मार्क्स चाहिए होंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए आपको 45% मार्क्स चाहिए। उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या तो आपको ग्रेजुएशन में 2 GPA चाहिए, ये 50% मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में होने चाहिए, या फिर आप NTS के थ्रू जो GAT का टेस्ट होता है वो भी देकर यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरह PhD के लिए आपको 3 GPA चाहिए बैचलर्स या फिर मास्टर के प्रोग्राम में। उसके बाद अगर मैं आपको एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड बताऊं तो जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीएस के, उसके लिए सिर्फ आपको एंट्री टेस्ट देना होगा या आपकी मर्ज़ी है आप चाहे तो यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे दें या फिर जो यहाँ पर मेंशन है जैसे कि NTS, NET वगैरह इन सब का भी दे सकते हैं। बाकी जो सारे बैचलर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो एडमिशन ओपन मेरिट की बुनियादों पर होगा। देन हमने बात की कि एडमिशन टेस्ट आपको इंजीनियरिंग के लिए देना पड़ेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए आपको किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा और उसकी वेटेज कितनी होगी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेरिट फार्मूला की तो अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसकी वेटेज एडमिशन टेस्ट की 50% लगेगी, इंटरमीडिएट के मार्क्स 30% और मैट्रिक के मार्क्स 20% लगेंगे। उसके बाद आखिर में अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अटेस्टेड फोटोकॉपी उसकी। इसके अलावा अगर आपका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है पार्ट टू का तो आप होप सर्टिफिकेट जो कि आपको इजीली कॉलेज से मिल सकता है अपने, उसकी बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आ चुका है तो फिर आपको जो है उसकी मार्कशीट चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आपने कहीं और जैसे A levels वगैरह से किया तो उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप मास्टर्स या
या फिर पीएचडी में इनरोल होना चाह रहे हैं तो आपको बैचलर्स की अपनी डिग्री चाहिए होगी विद डिटेल्ड मार्कशीट। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगेंगी, आपका अपना CNIC या फिर बी फॉर्म लगना चाहिए। इसके अलावा आपके फादर का भी 2 पासपोर्ट साइज़ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स लगानी है आपको। इसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो 2,000 रुपीज़ है, आपको ये बैंक में जमा करानी होगी और फिर ओरिजिनल कॉपी पेड चालान की वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी होगी और फिर ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे यूनिवर्सिटी। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोज़ भी आपको मिल सकें।